हेलो दोस्तों दोस्तों आज आपने देखा होगा कि बीपीएससी 65 से रिलेटेड एक आपको जो रिक्तियों की संख्या थी उसका एक प्रतिवेदन का जो विवरण है वो आज घूम रहा है मॉर्निंग से। तो इसमें ये है कितनी सीटें हैं, तो कई लोग बता रहे कि ये गलत है, कई लोग बता रहे ये सही है। अब इसमें रियलिटी क्या है ये तो नहीं लग रहा है, नहीं पता, लेकिन आपको देखने से सही लग रहा है कि ये सही होगा। लेकिन जहाँ तक पता चला है कि इसमें और भी संख्या जुड़ेंगे, ये अभी तक इन्हें मिला है, देखिए ये अभी तक इनको प्राप्त हो चुका है और इनको अभी और मिलना बाकी है। सॉरी, ये समर्पित प्रतिवेदन की विवरणी अभी मिल चुका है और भी सुनने में आया है कि कुछ विभाग के और आपको इसमें प्रतिलिपि जो है, मतलब प्रतिलिपि कर रहा हूँ कि जो विभाग में कितने संख्या है पोस्ट हैं उनमें और मिलना है, क्योंकि अभी तक 13 विभाग के ही मिले हैं और कई दो चार और पाँच विभाग हैं वो भी मिलेंगे। और कुल रिक्तियों की संख्या 503 बताई जा रही है। तो जो भी आशा था कि इस बार 65 में काफ़ी चर्चा था काफ़ी पहले से ही कि इस बार 65 अभी काफ़ी वैकेंसी आने वाली है, 1500-1600 काफ़ी चर्चा में था, तो ऐसा लग नहीं रहा है क्योंकि अभी तक 503 ही वैकेंसी मिली है और अब जुड़ेगा भी तो मुश्किल से 150 पद और भी जुड़ सकता है, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और दूसरा कि कई छात्र पूछ रहे थे कि CGL जो बिहार CGL का है उसका पद इसमें नहीं जुड़ेगा, वो BSSC ही कराएगा, वो BPSC नहीं कराएगा, तो उसका पद आपको BPSC में नहीं जुड़ने वाला है। लेकिन ये आपको थोड़ी निराशा हुई है कि इस बार सीट कम है, उतना ज़्यादा नहीं हो पाया है जितना अपेक्षा था, लेकिन ये जो आपको है इसमें रियलिटी आप सही है, गलत नहीं है ये। और इसमें एक्चुअली थोड़ा इसमें संशय और इसलिए हो रहा है कि इसमें ना कोई मोहर है ना कुछ है, बस एक प्रतिलिपि निकल गई है। तो 503 सीटों की संख्या बताई जा रही है, लेकिन जिस तरह से ये आपको फोटो सेट है तो इसमें सही लग रहा है, गलत नहीं लग रहा है, क्योंकि इस तरह से लिखा हुआ है कि ये भी प्रेषित हो चुका है, तो देखिए प्रतिवेदित भी हो चुका है। अभी ये क्लियरेंस नहीं हुआ है रोस्टर का, मतलब बिहार प्रशासनिक सेवा अभी क्लियरेंस भी नहीं हुआ है, तो अभी क्लियरेंस है तो ये भी है। तो ओवरऑल ये आप मानकर चलिए कि जो ग्रॉस आपको सीट है इतना है, नेट आपको नहीं पता है नेट कितना होगा, लेकिन इसमें सीट अभी और बढ़ेगा ये फाइनल नहीं है। तो जो छात्र निराश हैं कि 503 ही सीट है, तो ऐसा नहीं है, फाइनल 503 नहीं है, और भी आपको इसमें पद जुड़ेंगे। और आप लोग अब शुरू करिए तैयारी, क्योंकि अब 65 में टाइम नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो मैं दो चार दिनों के बाद 65 का प्रैक्टिस सेट शुरू करूंगा और फिर उसको लगातार कराऊंगा। और चूंकि इस बार सीट बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा था जिस तरह से अपेक्षा थी, तो इस बार कटअप भी मानकर चलिए कि कटअप फिर हाई ही जाने वाला है। बाद में आप लोग आयोग को दोषी ना देना कि कटअप हाई गया ये गया, क्योंकि अभी से ही तैयारी शुरू कर दीजिए, जुलाई में इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। और सितंबर में सुनने में आ रहा है कि आपको 29 सितंबर है या फिर जो भी है, लेकिन सितंबर में इसका PT हो जाएगा। तो जिस तरह से BPSC अपने कार्य को आगे बढ़ा रहा है, उस तरह से देखने में है कि ये अपना कार्य पूरा कर लेगा और सितंबर में इसका PT ले लेगा। तो आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है, पूरा जून जुलाई अगस्त 3 महीना आपको कंप्लीट है, उसके बाद समय आपको तुरंत चला जाता है। तो 3 महीना है, तो 90 दिनों में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट बनाएं, करेंट पढ़ें, बिहार स्पेशल पढ़ें, तो कई चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। तो ये दोस्तों आप लोग निराश ना हो, इसमें सीट और भी बढ़ेगा, 503 ही नहीं है, क्योंकि सुनने में आ रहा था कि जो गृह विभाग बिहार प्रशासनिक सेवा का जो पोस्ट है इस बार आपको 200 के लगभग करीब उसी का बताया जा रहा था, लेकिन अभी तक 30 ही का भी प्राप्त हुआ है, 30 का ही प्राप्त हुआ है, और अभी क्लियरेंस हेतु भी अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो इसी तरह है, कुछ चीज़ें हैं बाकी, और कुछ अपडेट होता है मैं आपको बताता हूँ। और BPSC 64 का जो केस है वो आपको 3 तारीख को फिर हाईकोर्ट ने BPSC से काउंटर फाइल करने को कहा है, बाकी 3 तारीख को पता चलेगा क्या उसमें होने वाला क्या नहीं होने वाला है। तो कुछ भी अपडेट होगा तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा, और मुझे लगा कि एक सारे अपडेट आपको मिल चुके हैं तो फिर उसको मैं नहीं बताऊंगा। तो दोस्तों फिर यही, आप लोग निराश ना हो, अभी और भी सीट है, लेकिन हाँ तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।